पूर्व राज्य मंत्री एवं कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य आज सितारगंज के शक्ति फार्म पहुंचे, जहां उन्होंने समाज सेवी व प्रतिष्ठित व्यवसायी श्याम प्रसाद विश्वास के पुत्र शुभम विश्वास के आकस्मिक निधन को लेकर उनके परिवार से संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्रत्याशियों के चुनाव का फैसला कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को करना है और जो भी फैसला हाईकमान का होगा सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसे मानेंगे। सितारगंज से चरण सिंह सरारे की रिपोर्ट। और कांग्रेस में भी हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जानकारी प्रस्तुत की है, लेकिन फैसला निर्णय हाईकमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। प्रदेश कांग्रेस के का जो हमारा पैनल है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें चयन होना है, उसके बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और निश्चित रूप से जहाँ पर भी जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा उस फैसले को सभी कार्यकर्ता और सभी दावेदार उम्मीदवार उसको स्वीकार करेंगे। लगातार दूसरी माहौल देखिए, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आसमान छुरी महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल है, किसानों की क्या दशा है, जो कहते थे सरकार कहती थी हम 2022 में किसानों की आय को दुगना करेंगे, नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। सितारगंज में आपकी चीनी मिल घोषणा हुई चली और बंद हो गई, तमाम प्रदेश में ऐसे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, इसमें सरकार ने आंखें फेर ली हैं, घोषणाओं तक सीमित रहेगी सरकार। और मेरा मानना है जो परिदृश्य है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, प्रदेश की जो महाजनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो सरकार ने बड़ा काले कानून डर भय है, चुनाव है ना सामने, जो हमारे स्टेट्स के चुनाव हैं, उस डर की वजह से उन्होंने काला कानून को वापस लिया है।